नमस्कार, एग्री कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पूरे एग्री पैक की अगर हम बात करें तो काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस हमने बनते हुए देखा। नो डाउट कुछ कमोडिटीज़ के अंदर एक रैली भी बनी, जैसे कॉटन की बात करें या कॉटन सीड ऑयल के की अगर हम बात करें, बाकी सभी कमोडिटीज़ में हमने एकाएक बड़ी गिरावट बनते हुए देखी। जिस ढंग से सोमवार को हमने देखा कि मिनिस्ट्री से 7 कमोडिटी पे बैन लगाया गया था, जिसके बाद पूरे ही कमोडिटी पैक का सेंटिमेंट खराब होता हुआ दिखाई दिया है। सबसे पहले अगर कैस्टर की बात करें, नई फसल जनवरी में जल्द आते ही उम्मीद है, यील्ड में इंप्रूवमेंट है, एक्सपोर्ट डिमांड में गिरावट दिखा रहा है क्योंकि चाइना में काफ़ी पोर्ट्स बंद हुए हैं, जिसका एक नेगेटिव असर प्राइजेस पे पड़ता हुआ दिखाई दिया और हमने 5800 का भी लेवल टेस्ट करते हुए देखा। थोड़ा पुल बैक जरूर है, बट इस पुल बैक पे बेच के चलिए, 5700 तक के भी लेवल हम कैस्टर में देख पाएंगे। वहीं पूरे मसाले पैक के अंदर भी हमने कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के अंदर डैमेजेस के चलते हल्दी के अंदर हमने एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखी, जो 9400 का भी लेवल छूता हुआ दिखाई दिया था, बट अब कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग का दौर है क्योंकि जनवरी फरवरी ऑनवर्ड्स नया अराइवल आना चालू हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि डैमेजेस कितने थे। एक्सपोर्ट डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर रही, नो डाउट नवंबर तक के जो आंकड़े आए हैं उसमें एक्सपोर्ट डिमांड अच्छा बताया जा रहा है, बट फिर से लॉकडाउन के कंसर्न के चलते कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देगा। हल्दी में ये हफ्ते के लिए मार्केट गिरावट भरा रह सकता है, 9100 पे बेच के चलना चाहिए, 8800 से 8650 तक का लेवल हम हल्दी में देख पाएंगे। वहीं जीरे के अंदर देखिए, लॉन्ग टर्म जीरा धनिया काफ़ी स्ट्रांग है, बट शॉर्ट टर्म में मार्केट एक कंसोलिडेशन में रहेगा। हो सकता है 15850 तक का लेवल अगर जीरे में मिल जाए तो वो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन लेवल रहेगा बाइंग करने के लिए। लॉन्ग टर्म अभी भी 20000 के जो आंकड़े हैं वो कंटिन्यू दिखाएंगे। एक्सपोर्ट डिमांड जो रमजान की रहेगी वो जनवरी मिड से स्टार्ट हो सकती है, जिसके चलते हम लॉन्ग टर्म काफ़ी तेजी पकड़ के चल रही जीरे और धनिया में। वहीं धनिया में भी हमने 1.5% की गिरावट आती हुई देखी, जो कहीं ना कहीं 8500 का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी पॉसिबल है 8300 तक का लेवल मिल जाए तो बहुत ही बेहतरीन लेवल रहेगा बाइंग करने के लिए, जो लॉन्ग टर्म 9400 से 10000 का लेवल भी दिखा दे, बट कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे बाइंग हो सकती है। अगला हफ्ता वॉल्यूम कम रहेंगे, प्राइजेस में दबाव रह सकता है, बड़ा शॉर्ट पोजिशन तो नहीं बट थोड़ा थोड़ा मार्केट में जॉबिंग ट्रेड नेगेटिव के कर सकते हैं। गवार सीड गवार गम दोनों ही फ्लैट रहे हैं, क्रूड की तेजी की वजह से थोड़ा बहुत सपोर्ट गवार गम को मिलता हुआ दिखाई दिया, बट कोरोना कंसर्न की वजह से डिमांड यूरोपियन मार्केट से काफ़ी ड्रॉप है क्योंकि वहां पे लॉकडाउन लगा हुआ है। टेक्निकली भी अगर 6250 का लेवल ब्रीच नहीं होता है तो 5800 का लेवल फिर से हम गवार सीड में देख पाएंगे। वहीं गवार गम की बात करें तो 11640 का एक टेक्निकल रेजिस्टेंट है, अगर ये ब्रीच नहीं होता है तो 10500 तक का एक पुलबैक देख सकते हैं। मेंथा की अगर बात करें तो 990 के ऊपर जा नहीं पा रहा है मार्केट, विंटर्स की वजह से अच्छी डिमांड आने की उम्मीद है, बट अभी भी जीएसटी को लेकर अनसर्टनिटी बनी हुई है। रेट्स डिस्पैरिटी की वजह से हाजिर मार्केट में कोई बड़े ट्रेड नहीं हो पा रहे हैं। 956 तक के लेवल मिलने पे ही बाइंग करके चलिए और बड़ा ब्रेकआउट 990 के ऊपर होता हुआ दिखाई देगा। अंत में कॉटन और कपास की बात करें तो यहाँ पे हमने अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखी है। कहीं ना कहीं कॉटन में लॉन्ग टर्म टारगेट हमारा 34000 का लेवल तोड़ने पे 40000 तक का भी लेवल है, बट कहीं ना कहीं जीएसटी को लेकर जो अनसर्टिनिटी बनी है उसकी वजह से प्राइजेस एक कंसोलिडेशन जोन में है। 31500 के करीब अगर मिलता है तो हमें लेके चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म टारगेट 38 का है, शॉर्ट टर्म में मार्केट 34000 तक का लेवल दिखा सकता है। वही कॉटन सीड ऑयल केक में अकोशिया के लेटर के बाद हमने गिरावट जरूर देखी, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि फंडामेंटल मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है, जो ये तेजी का कारण है। डेयरी इंडस्ट्री की भी डिमांड कंटिन्यू बनी रहेगी, जो प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। हमने देखा कि प्राइजेस 2800 के करीब अगर मिले तो लेके चलिए, 3040 का इमीडिएट टारगेट है। अगर 3040 का लेवल अगर ब्रीच हो जाता है तो कहीं ना कहीं प्राइजेस में एक बड़ी तेजी का आगाज होगा, जो प्राइजेस को करीबन 3150 जनवरी में और ओवरऑल जो हमने 4000 का टारगेट रखा है मार्च तक, वो जल्द देखने मिल सकता है। धन्यवाद।